भले ही अनुज अनुपमा शो में अनुज का रोल प्ले कर रहे हैं, मगर इस शो से इनकी खूबसूरत वाइफ आकांक्षा चमोला का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो आज तक कभी सेट पर भी वो नजर नहीं आई है। इन्हें जब भी देखा गया तो सोशल मीडिया पर रोमांस करते हुए देखा गया, पर अनुपमा के सेट पर कभी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार आकांक्षा और अनुज अनुपमा सेट पर अपने बीच की बॉन्डिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आकांक्षा चमोला पहली बार अनुपमा के सेट पर पति अनुज के साथ स्पॉट हुई है, जहाँ पर दोनों को खूब मौज मस्ती करते हुए देखा गया है, वो भी तब जब शो में छोटी अनु के बर्थडे का ट्रैक चल रहा था। हालांकि आकांक्षा स्क्रीन पर तो दिखाई नहीं दी, पर शो की शूटिंग पूरी होने के दौरान वो अनुज के फ्री टाइम में मिलने आई, जहां पर उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि शो में छोटी का किरदार निभा रही चाइल्ड आर्टिस्ट अस्मी दियो ने इनवाइट किया था, जिसकी जिद और मासूमियत को देखकर आकांक्षा को शो के सेट पर आना ही पड़ा। जिसके बारे में पति अनुज के साथ शो के सेट पर इंटरव्यू देते वक्त आकांक्षा चमोला ने बताया कि छोटी अनु ने मुझे यहां बुलाया है, क्योंकि मैं असल में भी ऐसे इवेंट में जाना नहीं छोड़ती, तो ये कैसे छोड़ती। वहीं आगे आकांक्षा अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि मेरे पति बहुत बिजी रहते हैं, पर जब भी वो घर आते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाते हैं और हम दोनों साथ में काफी लवली टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं जब आकांक्षा से ये पूछा गया कि तुम्हें अनुज का किरदार कैसा लगता है, तो जवाब देती है कि ये किरदार मुझे बहुत पसंद है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरे नजरिए से ये बेस्ट है। इसी के साथ फिर अनुज से पूछा गया कि तुम्हें अपना किरदार प्ले करने में कैसा लगता है, तो अनुज कहते हैं कि ये मुझे काफी पसंद है और मैं इसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। तो इस तरह से आकांक्षा और अनुज की बातें चलती रहती हैं। वेल दोस्तों, क्या आपको ये खूबसूरत कपल पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।